जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2019 का महीना कैसा रहेगा और इस महीने में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। इस महीने चार बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, चार बड़े परिवर्तन होंगे जिनमें सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल शामिल हैं। ये चार ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। सबसे पहले 5 दिसंबर को बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 15 दिसंबर को शुक्र धनु से मकर में आएंगे और 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 25 दिसंबर को बुध दोबारा अपनी चाल बदल रहे हैं और वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल भी 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, शनि धनु राशि में और बृहस्पति देव भी धनु राशि में रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और आपकी हेल्थ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके व्यापार कारोबार के बारे में। आपके व्यापार कारोबार के स्वामी, डेली इनकम के स्वामी चंद्र देव हैं और चंद्रमा हर 2 से 2.5 दिन में अपनी चाल बदलते हैं। मकर राशि वालों के मान सम्मान के और करियर के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र की स्थिति इस महीने में 15 दिसंबर तक धनु राशि में बनी हुई है। 15 दिसंबर के बाद शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। व्यापारी इस महीने में अपने कारोबार के लिए किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश यात्राओं के भी प्रबल योग है। कारोबार के चलते आपको नए लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, नई प्लानिंग होगी, नया निवेश करने का विचार होने वाला है। इस समय में आपको बड़ा रिस्क लेने से पहले सोच समझ कर विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी कामों में महीने की शुरुआत में सावधानी रखनी होगी और इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में किसी भी तरह का बहुत बड़ा बदलाव ना करें। हालांकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि शुक्र आपकी राशि में 12वें स्थान पर होंगे। 12वें स्थान में शुक्र उच्च के समान फल देते हैं और आपका पैसा सही जगह इस महीने में लगने वाला है, लेकिन सोच समझ कर विचार करके और समझदार लोगों की राय लेकर ही आपको चलना होगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी अपने महीने के बिजनेस की शुरुआत में नहीं करनी चाहिए। महीने की शुरुआत में लोग आपसे उधार मांगने आ सकते हैं। आपको सोच समझ कर ही उधार देना चाहिए। नए लोगों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें और अपने साथ काम करने वालों पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको इस महीने की शुरुआत में नहीं करना है। महीने की शुरुआत में मौज मस्ती आपकी होने वाली है। अच्छी यात्राओं का योग बना हुआ है। मित्रों के साथ रहना आप पसंद करेंगे और घूमने फिरने की प्लानिंग भी इस महीने होने वाली है। इस महीने की शुरुआत में मौज मस्ती में आपका धन खर्च होगा और इस महीने मन पसंद चीजें भी आप प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, 15 दिसंबर के बाद का समय जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि में आएंगे, तो वह समय आपके लिए बड़ी मात्रा में धन लाभ का होगा। की गई मेहनत का फल आपको 15 दिसंबर के बाद मिलते हुए दिखाई देगा। इस समय पर आप जो भी फैसला लेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार को फैलाने में कामयाब होंगे। मंदी की स्थितियां समाप्त होंगी। खर्चों पर रोक लगेगी और मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा। बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। महीने के मध्य से अंत तक का समय इनकम अधिक होगी और मन में प्रसन्नता भी बनते हुए दिखाई देगी। कारोबार के लिए किसी भी तरह का रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो महीने के मध्य से अंत तक के समय में लेना चाहिए। महीने की शुरुआत में संभल कर पैसा लगाना चाहिए। बात करें जॉब करने वालों की, ग्रहों की स्थिति आपके लिए ऐसी बनी हुई है कि अपनी जॉब के चलते महीने की शुरुआत में अधिक भागदौड़ और मेहनत होने वाली है। काम का अधिक प्रेशर रह सकता है। इस समय में सब्र और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस में ना पड़े। सीनियर्स के साथ और अपने साथ काम करने वालों के साथ तालमेल बिठाकर चलने का प्रयास करें। सबकी भावनाओं की कद्र करें और सबको समझकर चलें। महीने की शुरुआत में विदेश जाने के मौके आपको मिल सकते हैं। आपकी इनकम आने वाले समय में बढ़ेगी। 2020 आपके लिए शुभ रहेगा। इस वजह से दिसंबर में ही आपको अच्छे मौके, सुनहरे मौके अपनी जॉब के चलते आपको आगे मिलने वाले हैं। महीने के मध्य से समय आपके लिए बहुत ही अधिक फेवर में होगा। किसी भी तरह का बदलाव अगर आप जॉब में चाहते हैं तो महीने के मध्य से अंत तक के समय में आपको प्रयास करना चाहिए। अपनी जॉब में ट्रांसफर चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं, किसी भी तरह के इंटरव्यू एग्जाम के लिए आप जाना चाहते हैं तो 15 दिसंबर के बाद की डेट अगर होगी तो सही रहेगा। इस समय पर अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। मन में प्रसन्नता बनेगी, मित्रों का साथ मिलेगा, इनकम अच्छी होगी, नए काम, नए प्रोजेक्ट, नए टास्क
टारगेट आपको मिलेंगे। दोस्तों बात करें आपकी एजुकेशन की तो इस महीने ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि स्टूडेंट के लिए पूरा महीना शानदार है, लेकिन महीने की शुरुआत में स्टूडेंट को भी अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। कंसंट्रेशन खराब ना हो इसलिए समय को बचाकर रखें। बार बार कहीं आने जाने की, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग हो सकती है और मौज मस्ती महीने की शुरुआत में अधिक हो सकती है। महीने की शुरुआत में कंसंट्रेशन अच्छे रहे, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगा रहे, इस बात के लिए आपको प्रयास करना होगा। महीने के मध्य से समय आपके लिए अच्छा होगा ही। अब बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ इस महीने में काफी शानदार रहेगी। एक दूसरे के साथ समय बिताने के बहुत से मौके मकर राशि वालों को मिलने वाले हैं। आपस में प्यार और विश्वास बना रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की। आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी चंद्रदेव हैं। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति मंगल शुक्र की स्थिति ऐसी है कि वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर समय आपके लिए खास रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। महिलाओं के जीवन में इस महीने में कई तरह की खुशियाँ आएंगी। बात करें आपकी फैमिली लाइफ की तो आपके घर परिवार के स्वामी शनि देव हैं, जो कि इस महीने भी धनु राशि में होंगे और शनि की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि माता पिता के सहयोग पे इस महीने भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए अधिक अपेक्षा आपको अपनों से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका मन उदास हो सकता है। दोस्तों बात करें आपकी हेल्थ की तो मकर राशि वालों की सेहत इस महीने में अच्छी रहेगी। जोश उत्साह हिम्मत अच्छी बनी रहेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप इस महीने खुद को स्वस्थ पाएंगे। इस महीने की शुरुआत में बदलते मौसम की वजह से सावधानी रखनी होगी, खाने पीने का ख्याल रखें। तो ये था मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2019 के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।